गाइज मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल के और एक नए वीडियो और एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस जियो से जुड़ी बहुत सारी बातें। खास तौर से उन लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा फायदेमंद साबित होगा जिन लोगों ने अब तक रिलायंस जियो का कोई भी रिचार्ज नहीं करवाया है। जियो से मिलता जुलता प्लान अब लगभग हर प्रोवाइडर दे रही है, जैसे कि एयरटेल का 399 का प्लान है जिस तरह का जियो का है, आइडिया का है, वोडाफोन का है, लगभग हर कोई अब जियो से मिलता जुलता प्लान दे रहा है। तो इसलिए जियो ने पेटीएम, मोबीक्विक, इन सारे वेबसाइट्स जो है जिससे लोग रिचार्ज करते हैं ऑनलाइन से, उन वेबसाइट्स के साथ में टाई अप करके कस्टमर्स को और ज्यादा बेनिफिट्स देने के बारे में सोच लिया है, जिसका सीधा फायदा कस्टमर्स को होने वाला। और वो कैसे होगा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब शुरुआत में रिलायंस जियो ने अपनी सिम मार्केट में लाई थी उस दौरान लगभग हर कोई रिलायंस जियो ले चुका था, लेकिन जब इसका प्लान खत्म हुआ, खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने अपने सिम को बंद कर दी, कुछ लोगों ने रिचार्ज करवा के चलाए और बाकी के कुछ लोगों ने क्या किया, उस सिम को जो कि 128 kbps का स्पीड में चलता था डाटा, कुछ लोगों ने वैसे में चला रहे हैं उस सिम को। तो जो लोग आज तक रिचार्ज नहीं किए हैं, अब अगर वो लोग करवाना चाहते हैं जियो, तो आपको मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और वो कैसे होगा, अगर आपको रिचार्ज करना है तो आप फोनपे से कर सकते हैं। अगर आप फोनपे से रिचार्ज करते हैं, मिनिमम अमाउंट आपका 300 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें आपको 50 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। फोनपे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, साथ में अपने बैंक अकाउंट को इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। इसमें और भी बहुत सारे फायदे हैं। आपको अगर इस फोनपे एप्लीकेशन के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉमेंट कीजिए, मैं इसके लिए भी वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूँगा। उसके बाद है अमेजोन पे। अमेजोन पे से अगर आप रिचार्ज करते हो तो आपको इसमें 25% तक मिल जाएगा, जिसमें आपका अमाउंट जो कैशबैक का होगा वो 50 रुपये या उससे कम होगा, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा, जो कि इससे पहले इसमें बहुत ज़्यादा कैशबैक मिलते थे। और ट्रू बैलेंस भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपको वो वीडियो देखना है, आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पे जो आई का बटन आपको दिख रहा है, इस आई के बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली ये उस वीडियो में लेके चली जाएगी। तो ट्रू बैलेंस में आपको 50, 60, 70 रुपये तक आपको कैशबैक मिल जाता है, जिसको आप फिर से कोई रिचार्ज के काम में ला सकते हो। पेटीएम है, पेटीएम में भी आपको लगभग 75 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा या फिर उससे भी ज़्यादा मिल जाएगा। और उसके बाद है मोबीक्विक, मोबीक्विक से भी आप कर सकते हो, मोबीक्विक में भी आपको अच्छा खासा कैशबैक मिल जाता है। हो सकता है आप मेरा जब ये वीडियो देख रहे हो उस दौरान इनमें से कुछ प्लान्स बदल गए हो या फिर इससे अच्छे प्लान्स आ चुके हों। तो आपको जब भी रिचार्ज करना है तो आप सर्च कर ले गूगल पे, या फिर आप मेरे वीडियो के कमेंट में जाके मेरे लिए लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए सबसे अच्छा प्लान कौन सा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। ज़्यादा जानकारी, सवाल जवाब के लिए आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल भी एक्टिवेट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो नई टेक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।